वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि अच्छी नहीं है। इसमें MCA का एक रूल, उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि एक अच्छा रूल नहीं है। तो चलिएगा, आज मैं शुरू करता हूँ। और इसमें एक आर्टिकल है जिसमें एक रियल स्टोरी है, तो जिस एक कैंडिडेट के साथ, एक MBBS स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, तो बताता हूँ उसमें हुआ क्या है। तो आर्टिकल की हेडिंग है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चेंज स्टॉप डिसेबल्ड डॉक्टर्स फ्रॉम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आगे लिखा है, डॉक्टर मोहम्मद शालू फिनिश्ड हिज MBBS लास्ट ईयर एंड फॉलोइंग कम्प्लीशन ऑफ हिज जूनियर रेजिडेंसी इंटेंडेड टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन इन रेडियो डायग्नोसिस। टू दैट एंड ही क्लियर्ड हिज नीट एंड इवन फिनिश काउंसिलिंग, बट वैन द टाइम केम ही वॉज हैंडेड अ रिजेक्शन लेटर एंड हिज डिसेबिलिटी वॉज सिटेड एज द रीजन। द 27 ओल्ड ईयर ओल्ड सफर फ्रॉम अ 90% डिसेबिलिटी विच अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट टू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997 नोटिफाइड ऑन February 4 डिसक्वालीफाइज हिम एज अ मेडिकल स्टूडेंट। दिस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अमेंडमेंट दैट मेक्स एनी वन विद 80% एंड मोर डिसेबिलिटी इन एलिजिबल टू परस्यू MBBS एंड PG एज वेल विल अफेक्ट थाउजेंड लाइक हिम। शालू इज नाउ प्लानिंग टू अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर फॉर हेल्प। तो इसमें बता दूँ होता क्या है, एक अमेंडमेंट MCA के रूल में है कि जो भी स्टूडेंट 80% से ज़्यादा डिसेबल होता है उसको MBBS और PG कुछ भी करने से रोक दिया जाता है। बट दिस टाइम इन्होंने MBBS तो कर लिया, बट अब उन्हें PG नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए। वैन आई कैन कम्प्लीट एन MBBS डिग्री विच इंक्लूड्स क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड वर्किंग इन ऑल द 21 डिपार्टमेंट्स, हाउ कैन आई नॉट स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन। ये शालू ने बोला है कि जब मैं 21 डिपार्टमेंट्स पर वर्क कर सकता हूँ, मैं MBBS डिग्री कर सकता हूँ, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता। वट हर्ट्स मोर इज दैट आई एम फिट एनफ टू कैरी ऑन विद माई नॉर्मल रूटीन लाइफ, बट दिस रिजेक्शन रिमाइंड मी दैट आई एम नॉट नॉर्मल, सेट शालू अ नेटिव ऑफ मकराना डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान का ये वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ को मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, सो मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए वो PM को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये रूल हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट हो, क्योंकि जो स्टूडेंट MBBS उन्होंने कर लिया, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने से रोका जा रहा है, और अगर 80% 90% वो डिसेबल थे तो उन्हें पहले ही MBBS करने से रोक दिया जाता अगर उन्हें रोकना ही था। तो ये थोड़ी गलत चीज़ है, और अगर आपके साथ या आपके कोई नोन में अगर कोई ऐसा होता है वाकया, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, हम आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।